प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर में बहुमूल्य संतों, आज प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आशिया की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 29, 30 और 31 वचन। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब की नाई दौड़ेंगे, वे उड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन आपके लिए है। अगर आप आत्मा में इस वचन को स्वीकार करें तो आपके जीवन में ये एक अद्भुत चमत्कार प्रकट करने वाला वचन है। देखिए वचन क्या कहता है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। अगर आज प्रातःकाल आप थके हुए हैं, आपको लगता है आप शक्तिहीन हैं, तो प्रभु की आत्मा में मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, वो आपको बहुत सामर्थ्य देना चाहता है। आज आपकी कमजोरी के ऊपर, आपकी थकी हुई अवस्था के ऊपर परमेश्वरीय सामर्थ्य, परमेश्वर का बल आपके जीवन में वो प्रकट करना चाहता है। और देखिए वहां पर जो इस बात को हम पढ़ते हैं, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम थके नहीं हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम सामर्थी हैं, वो परमेश्वर से कोई बल प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में थक चुके हैं इस जीवन से, आपको लगता है इस जीवन की दौड़ में आप कमजोर हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य देना चाहता है। और देखिए, तरुण थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। प्रेज गॉड। देखिए वहां पर उसका रहस्य है, यहोवा की बाट जोना। आज बाट जोना बहुत मुश्किल है। लोग आज सब कुछ जल्दीबाजी में करना चाहते हैं। आज फास्ट फूड का जमाना है। एक समय होता था कि जब सब्जी खरीद कर लाते थे, खेत में उगाते थे, उसको काटते थे, साफ करते थे, उसके बाद खाना बनता था। लेकिन आज सब कुछ फास्ट फास्ट हो चुका है। मैकडोनल्ड में जाइए, आपको बर्गर एक मिनट में मिल जाएगा, सब कुछ। इसलिए हमारा मन की अवस्थाएं भी बहुत इस प्रकार हो गई हैं कि हम सब कुछ जल्दीबाजी में चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का कार्य वो नहीं है। परमेश्वर उन्हें बल देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है जो उसका इंतजार करते हैं। जब वो उसका इंतजार करते हैं तो वे नया बल प्राप्त करते हैं। यानी पुराना जो बल आपने कभी पाया था लेकिन वो अब कमजोर हो चुका है, तो प्रभु कहता है एक नया बल मैं तुझे दूंगा। और वे उकाब की नाई उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं और श्रमित ना होते हैं, चलते हैं और वो थकित नहीं होते हैं। आज प्रभु की आत्मा में मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, अगर आप नीचे की अवस्थाओं में हैं, आप उड़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आप थके हुए हैं, आप दौड़ेंगे। अगर आप परिश्रम कर थक चुके हैं, तो अब कभी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि अब तक जो बल आपने पाया वो संसार का बल था, लेकिन अब जो बल आप प्राप्त करेंगे वो परमेश्वर का बल है, स्वर्ग का बल है, परमेश्वर की सामर्थ है, स्वर्ग की सामर्थ है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले प्रियजनों के जीवन में स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ को आप दीजिए कि वो बलवंत हो जाए, वो उड़ना प्रारंभ करें, वो दौड़े प्रभु जी, वो चलना प्रारंभ करें। आपका अनुग्रह इन सबके साथ हो। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन। प्रभु इन वचनों को आपको आशीष कर दे। मेरी प्रार्थना है आप नया बल प्राप्त करेंगे, नई सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू।